हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मल्टी टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 100 रुपीज़ में रूम हीटर तैयार करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये लेंगे हम, ये रोड लेंगे दो, और एक ये प्लेट लेंगे जो ट्रे होती है हमारी। ये देखिए, दो रोड लेंगे, ये 20-20 रुपये के आ जाएंगे। 40 रुपये की रोड आपको मिल जाएंगी, और एक ये प्लेट लेंगे। ये हल्की वाली आप प्लेट लेंगे, ज़्यादा भारी वाली की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। ये मैंने हल्की वाली प्लेट ली है, 30 रुपये की प्लेट है, और 40 रुपये का ये है, और ये 25 रुपये की वायर है, और छोटे छोटे 5-6 स्क्रू ले लेंगे। और देखिए, अब हम तैयार करके आपको दिखाते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों। ये देखिए, जो ये रोड है, हम इसके ऊपर रखे ये देखेंगे, और यहाँ पे छेद करेंगे। अब ये ड्रिल से छेद करेंगे, आप घर पे कील वगैरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको ड्रिल से ही करके दिखाऊँगा, देखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक छेद करूँगा, इस प्रकार से मैं यहाँ छेद करने, ये जो प्लेट में टेबल पर रखी हुई है, चलिए जो हमारी ड्रिल है वो फिसल रही है, देखते हैं कोशिश होल करी, नहीं तो हम इसको नीचे रख के फिर करेंगे होल। ये देखिए, ये ड्रिल बिल्कुल भी चल नहीं पा रही इसके ऊपर, जो टेबल पर रखी हुई है, इसलिए मैंने ये नीचे रखी है और इसमें होल किए हैं। एक और होल अभी आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, इस प्रकार से दूसरे बाद एकदम से जाता होल इसके अंदर। ये देखिए, मैंने 4 होल इसके अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक ये वायर लेंगे, ये स्टील वायर है, इससे हम इसका जो स्टैंड बनाएंगे, जो हमारा रोड है उसको फिट करेंगे, इसकी स्टैंड बना के। इस प्रकार से हम 4 पीस कट कर लेंगे और इसे ऐसे गोल घुमा देंगे। देखिए, प्लास से मैंने इसको इसके अंदर डालने के लिए अच्छे से तैयार किया है, और नीचे भी ऐसे ही थोड़ा इधर करके राउंड घुमा दूंगा इसे। देखिए, ये मैंने तैयार किया है। इसी प्रकार से हम ये 4 तैयार कर लेंगे, और 4 बॉल्ट के अंदर इसके अंदर फिट करेंगे। ये देखिए, अभी मैं सारे तैयार कर रहा हूँ, इसी प्रकार के आप तैयार कर लेंगे। और ये देखिएगा, ये मैंने बॉल्ट के अंदर इसके अंदर टाइट किए हुए हैं, बॉल्ट लगा के मैंने टाइट कर दिए हैं। और यहाँ पे ये जो वायर है, वायर भी हम यहाँ से कट करके इस पर वायर लगाएंगे। देखिए, इसके ऊपर स्लू होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि करंट वगैरह ना आए। ये मैंने स्लू वाला तार वायर लिया है, और अब यहाँ से भी मैं कट कर लूँगा इस साइड से, दोनों को आपस में लगाना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने दोनों को लगा दिया है। दोनों सिरे इस साइड के हम मिला देंगे, और उस साइड के भी दोनों सिरे मिला देंगे, और अलग अलग पे हम अपना, ये देखिए यहाँ पीछे दिखा रहा हूँ मैं, ये अलग अलग वायर है, दोनों एक से ही कनेक्ट करेंगे, और इसके बीच में भी यहाँ थोड़ा स्लू का अलग टुकड़ा डालेंगे हम, जिससे करंट ना आए। ये मैंने एक जो स्लू है उसके ऊपर एक स्लू का टुकड़ा और डाला है, जो छेद है उसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट किया है, और जो ये ध्यान रखेंगे, जो रोड है थोड़ी लूज रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ अभी से, अभी लगाएंगे। ये देखिए, ये मैं अभी से चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, नई रोड है, अभी थोड़ा सा धुआं उठेगा। इस प्रकार से मैंने इसके इसे चेक भी किया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी रोड काम कर रही है। अभी मैं दोबारा फिर चेक करके दिखाऊँगा आपको। अब इसके ऊपर जाली वगैरह भी लगाएंगे। ये देखिए,
ये मैं 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार कर देता हूँ। ये देखिए मैं नीचे रख के दिखा रहा हूँ आपको एक बार, ये मैंने नीचे रखा है दूरी पे थोड़ा सा। ये देखिए दोनों रोड़े अच्छे से जल रही हैं। ये देखिए अब ये इस प्रकार की जो विंडो पे हम जाली लगाते हैं वो लेंगे और उसको इसके साइज़ के अनुसार हम काट लेंगे। ये कैंची से आराम से कट जाता है। देखिए छोटा टुकड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको, इससे थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे और वो इसके ऊपर हम फिट करके दिखाएंगे आपको। मैं 2 छेद और कर लेता हूँ इसके साइड में, 2 छेद करके कोई बोर्ड लगाऊंगा थोड़े लंबे साइज के और जिस पे हमारी जो जाली है वो अच्छे से फिट हो जाएगी। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक व कमेंट ज़रूर करें। देखिए ये मैंने इसके ऊपर एक वाशर भी लगाया रखेंगे यहाँ, वो बोल्ट में नीचे टाइट किया मैंने और एक बोल्ट थोड़ा ऊपर लगाया है जिससे जो जाली हमारी वो इसको जो रोड को टच ना कर पाए। इस प्रकार से हम लगाएंगे, थोड़ा इस तरीके से लगा रहे हैं हम। मान लिया हमारे रोड वगैरह कभी ख़राब हो जाए तो चेंज करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं बिल्कुल अच्छे से इसको फिट करके आपको दिखा रहा हूँ। जो दोनों बोल्ट खोल के हम जाली को हटा सकते हैं आसानी से और अपने रोड भी चेंज कर सकते हैं। देखिएगा मैं भी आपको ये जाली फिट करके अभी दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बोल्ट लगा दूँगा यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड बोल्ट लगा दूँ, ये बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा अच्छे से। देखिए मैं यहाँ बोल्ट लगा के आपको दिखा रहा हूँ, अब इसमें वाशर भी लगाएंगे। इसे थोड़ा हम साइड में कर लेंगे जो इसकी सीध में नहीं आ रहा है, ये इससे इसके अंदर डालेंगे हम इसे। जो बोल्ट है वो ऊपर निकालना होगा और उसके ऊपर वाशर लगाएंगे। देखिएगा प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप तैयार भी कर सकते हैं। ये देखिए जो पत्ती नुमा वाशर है वो मैं लगाऊंगा जिससे निकल ना पाए। ये दोनों साइड में एक लोहे की पत्ती थी जो जिसके दोनों साइड में छेद थे, मैंने बीच से उसको कट किया है और दोनों साइड में लगाएं जिससे हमारी जाली बिल्कुल भी निकल ना पाए। देखिए हम टाइट करेंगे इसे अच्छे से। ये देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, आप भी 100 रुपये में 100 रुपीज़ में जो रूम हीटर है अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिएगा ये मैंने 100 रुपीज़ में तैयार किया है आपके लिए, आप भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाया है इसमें क्या क्या मटेरियल आपको लेना है, जो जो कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं वो आपको दिखाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे। केवल मार्केट से आप रोड खरीदेंगे, बाकी आइटम आपके घर में मिल जाएगा। ये देखिएगा अब ये इसके जो पीछे स्टैंड लगाएंगे हम जिससे कि ये थोड़ा सा इस टाइप से खड़ा रहेगा। ये देखिए मैं जो पत्ती ली है 2 पत्तियाँ कट करके उनको थोड़ा सा मोड़ लिया और एक और छेद करके अब हम यहाँ पे फिट करेंगे इस बोल्ट के अंदर। देखिएगा मैं अभी इसे भी फिट करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मैं फिट कर रहा हूँ इसे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। ये देखिए इससे पहले मैंने भी एक रूम हीटर और तैयार किया था जो मैंने 150 रुपये में तैयार किया था, अब की बार मैंने ये 100 रुपये में तैयार होने वाला हीटर आपको दिखाया है। इसमें जो 50 रुपीज़ है वो जो रोड है हमारी वो रोड महंगे वाली लगाई थी हमने, अब की बार जो रोड है हमने थोड़ी कम रेट वाली लगाई है, वो रोड थोड़ी महंगी थी। ये देखिएगा उससे आपके 50 रुपीज़ और घट गए। ये देखिए मैंने ये पत्तियाँ यहाँ लगा दी दोनों साइड में, इस प्रकार से स्टैंड बन गया इसका साइड में। ये देखिएगा ऐसे रखा जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से स्टैंड भी हमने लगा दिया है, आप भी आसानी से लगा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। ये देखिए मैं चेक करके दोबारा फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है हमारा रूम हीटर। ये देखिए
ये देखिए कितना अच्छा रोमीटर हमने तैयार किया है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।